घर हुए पैदा, जिया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराब काबा, हो गया आतिश कदा ठंडा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराब काबा, हो गया आतिश कदा ठंडा। लेकिन देखी या सुनी जिसने भी सीरत हुजूर की, दिल में समाई उसके अकीदत हुजूर की, सारी फजा को नूर से पुरनूर कर दिया। अल्लाह हरे ये शाने विलादत हुजूर की। समाद कीजिएगा हुजूर के बचपन के हालात। मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए, जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए, जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे समाज कीजिएगा पहला बंद। खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, उबरू तुम देख लो जाकर, निराला नाक नक्शा है निहायत भोला भाला है, उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े, मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमुना पहुंचे, कहा ये आमुना ने आपको पोता मुबारक हो, कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो, हुए जिस दम मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से, हुए कल्बो जिगर पुर नूर अनवारे मोहम्मद से, कहा शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा, लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा, रसूले पाक फिर आगोश में दादी के जा पहुंचे, पाए दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे, किया नजारा हूरों ने फरिश्तों ने जियारत की, हुई मक्के में शोहरत चार सू उनकी विलादत की, सहर का वक्त
था, मंजर हसी मौसम निराला था। विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था। कहा सबने के रखो नाम इसके नूर बेहद है, कहा सबने के रखो नाम इसके नूर बेहद है, कहा सबने के रखो नाम इसके नूर बेहद है, कहा सबने के रखो नाम इसके नूर बेहद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है, अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है, अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। कहा सबने के रखो नाम इस पर नूर बेहद है, तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। इस तरीके से हमारे हुजूर का नाम आपके दादा ने मोहम्मद रखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ समाज फरमाए। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की, घटाएं हट गई सब घर से अब्दुल्लाह के गम की। अरब का कायदा ये था कि सब नौ जायदा बच्चे देहातों में अरब की दायों का वो दूध पीते थे। पिला कर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाजन का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊंटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया उनके गुशौहर रह गए पीछे, जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे। फकत एक आमुना का लाल ही मक्के में बाकी था, यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ल आदम है, हबीबे किबरिया है ये शहनशाहे तो आलम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा, वो आई लौट कर खेमे में तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के, जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। फकत एक बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में, फकत एक बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में, फकत एक बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में, फकत एक बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। मिलेगी कुछ ना उजरत तुम कहो तो उसको ले आए, मिलेगी कुछ ना उजरत तुम कहो तो उसको ले आए, मिलेगी कुछ ना उजरत तुम कहो तो उसको ले आए।
याद आई कि ऊटनी कुछ सुस्त थी। जो औरतें आपसे पहले आई थी वो मालदारों के बच्चों को लेकर चली जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक आमना का लाल जो गरीबी के बायस अपने घर में है, कोई भी दाया यहाँ नहीं आती है। बीवी आमना का वो लाल हलीमा दाई जब देखती हैं अपने शौहर को बताती हैं कि एक सिर्फ बेवा का बच्चा है, बाकी कोई बच्चा नहीं है शहर मक्का में, उसके बाद वो शौहर हलीमा के क्या कहते हैं समाप्त कीजिए। कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमना के लाल को चूमा पलाएं ली। दिखाया लाके शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर, कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर, चली वापस वतन की सिम तो वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफले वाले, हलीमा जा रही थी आज उस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊंटनी शौहर भी बिठलाया। ताजुब था जरा सी देर में वो काफला पकड़ा, चली मानिंद बिजली के वो पीछे काफला छोड़ा। हवा की तरह मस्ती में वो उठनी तेज चलती थी, मुकद्दर पर तिनाजा ये सदाए मुंह से निकलती थी। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले मोहम्मद कमली वाले हैं। वो ऊंटनी अपने दिल में ये ख्याल कर रही है कि जहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमा निकाले हैं। उसके बाद वो ऊंटनी इतराती हुई किस तरह चलती है समाज कीजिएगा। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची, ताजुब काफले को था हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमुना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर तब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी, दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबीए पाक के जलवों से घर था नूर का आलम, शबे जुलमत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी।
बरस दो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्ते दोपहर आया। तमाजत धूप की थी इसलिए उठनी को ठहराया। घने पेड़ों के साये में वो ठहरी सो गई फौरन। वो गाफिल आमुना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुंचे। हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर। ढका पत्तों ने रुए पाक और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। के पत्तों में अकेला आमुना का लाल सोता है। के पत्तों में अकेला आमुना का लाल सोता है। के पत्तों में अकेला आमुना का लाल सोता है। दाई हलीमा हमारे आका को लेकर वापस जब मक्का को चलती हैं, रास्ते में दोपहर हो गया। आपकी ऊँटनी एक दरख्त के नीचे बैठी। हलीमा दाई सो गई। हुजूर घुटनों के बल चलते चलते कुछ दूर चले गए और जब सर्द हवा लगी तो आप भी सो गए। पत्ते जो थे पेड़ों के उन्होंने आपको ढक लिया। लेकिन जब हलीमा की आँख खुली तो क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। हवा के एक झोंके ने जगाया जब हलीमा को। न पाया मुस्तफा को गम हुआ है तब हलीमा को। उन्हें बेताब होकर हर तरफ जेरे शजर ढूंढा। परेशान हो गई रो कर इधर ढूंढा उधर ढूंढा। धड़कता था कलेजा चीखती थी दोनों माँ बेटी। दरख्तों से लिपट कर पूछती थी दोनों माँ बेटी। कहाँ है आमुना का लाल देखा हो तो बतला दो। मेरा दिल डूब जाता है तसल्ली दो जरा मुझको। मैं खाली गोद लेकर किस तरह मक्के को जाऊंगी। मैं जाकर आमना बीबी को कैसे मुंह दिखाऊंगी। बहुत ढूंढा न मिल पाए नबी एक चोट थी दिल पर। वो रोती पीटती माँ के में जा पहुंची वो उनके घर। जवाब बीबी आमना के घर गई रोती पीटती हुई तो आमना बीबी ने जब उनको देखा तो क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। जो देखा आमना ने उनको खाली बोली घबरा कर। मेरा बच्चा कहाँ है हाल क्यों है तेरा ये मुद्दतर। हलीमा ने कहा जंगल में सोई गुम हुआ बच्चा। वहाँ चारों तरफ ढूंढा मगर वो मिल नहीं पाया।
ये सुनकर चीख निकली आमुना की बेकरारी से। लरस उठे दरोदी पार उनकी आहुजारी से। सुनी आवाज अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ कर आए। हलीमा से हकीकत सुन के बेहद आप घबराए। वहां जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते हैं। 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 नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं। नजारे उस जंगल में जाकर आपको देखती हैं तो हुजूर मुस्कुरा रहे हैं और जंगल के नजारे आप पर कुर्बान जा रहे हैं। आगे क्या होता है सुने। हलीमा से कहा वो देख मेरा चैन लेटा है। हसी जलवों से जिसके सारा जंगल जगमगाता है। हलीमा ने उन्हें फिर ले लिया आगोश में अपनी। खुशी और प्यार से पेशानी चूमी फिर मोहम्मद की। चली आई खुशी से दौड़ती वो आमुना के घर। कहा लो आमुना बीबी तुम्हारा मिल गया दिल पर। बड़ी किस्मत की अच्छी आप और मैं मिल गया बच्चा। कसम अल्लाह की मेरा कलेजा मुझको आता था। जुदाई मुझको इस फर्जंद की तड़पाएगी बीबी। जीऊंगी जब तलक इस लाल की याद आएगी बीबी। मगर मैं कौन हूँ ऐ आमुना बच्चा तुम्हारा है। हजारी उम्र हो बच्चे की मुझको सब गवारा है। ये कहकर दी अमानत आमुना की आमुना बी को। हुई पुरकत से आंखें नम संभाला हर तरह जी को। कहा ये आमुना ने ऐ हलीमा तुम ना घबराओ। बाबा फैली है मक्के में ये बच्चा साथ ले जाओ। यहाँ बीमारी से बच्चे बड़े हर रोज मरते हैं। कलेजा कांपता है हाथ से हर दम गुजरते हैं। मोहम्मद मुस्कुराए और हलीमा की तरफ देखा। हलीमा सादिया का दिल मसरत से मचल उठा। सहे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को। 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 के वापस ले चली फिर अपने घर में है ऊबे दावर को। के वापस ले चली फिर अपने घर में है ऊबे दावर को। के वापस ले चली फिर अपने घर में है ऊबे दावर को। Thank you.
दाई जब उस बच्चे को आमना बीवी को देती हैं, आप फरमाती हैं यहाँ पर इस वक्त वबा फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, आप अपने साथ इसे वापस ले जाइए। हलीमा दाई आपको वापस लेकर अपने घर फिर चली जाती हैं। फिर क्या होता है समझ कीजिएगा। लगे जब पाऊ चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ पुर नूर नजारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजीदा रहते थे, मलाइक मरहबा सल्ले अला हर वक्त कहते थे। जुदा गाना की आदत मुस्तफा की आम बच्चों से, न आदत खेलने की और न था कुछ काम बच्चों से। हलीमा के पिसर के साथ वो जंगल में जाते थे, सुबह से शाम तक वो बकरियां जाकर चराते थे। कहा एक दिन हलीमा ने के जंगल आज मत जाओ, तबीयत सुस्त है तुम घर रहो आराम फरमाओ। इसी सूरत हलीमा ने उन्हें छह रोज तक रोका कि जब घर से चले दाई, हलीमा ने उन्हें रोका। छठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का पिसर आया, कहा अम्मी के एक बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा के हाय तू ये क्या खबर लाया, के बकरी भेड़िए को जाके जंगल में खिला आया। नबी बोले चलो भाई अभी बकरी को ढूंढेंगे, उसे किस भेड़िए ने खा लिया है चल के पूछेंगे। मेरी अम्मी न घबराओ अभी जंगल को जाते हैं, छुड़ा कर भेड़िए से आपकी बकरी को लाते हैं। नबी की माँ की बकरी कोई भी हरगिज़ न खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ये था जज्बा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का, नबी जंगल में पहुंचे साथ था बेटा हलीमा का, जहां चरती थी सारी बकरियां जाकर वहां देखा। कहीं बकरी न पाई तो चढ़े ऊंचे से टीले पर, लगे चारों तरफ फिर देखने नन्हे से पैगंबर। लगाई एक सदा ऐसा किने सहरा इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए सब जानवर आए, झुका कर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। कहा एक भेड़िए ने आप पर कुर्बान हम जाएं,
कहाँ हिम्मत हमारी आपकी बकरी को जो खाएं। यहाँ बकरी चराने आप जब जंगल में आते थे तो हम सब जानवर सरकार का दीदार पाते थे, मगर छह रोज से जब आपको आते नहीं देखा हुए बेचैन हम सब बैठ कर सब ने यही सोचा, पकड़ लो एक बकरी तो नबी तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे। ये कहकर भेड़िया जल्दी से बकरी आपकी लाया, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। के आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार अहमद की, आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार अहमद की, के आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार अहमद की। जंगल में जाकर एक पहाड़ी पर चढ़कर जब आवाज लगाते हैं कि ऐ साकिने सहरा इधर आओ मेरी अम्मी की बकरी किसने खाई है, सारे जानवर और भेड़िये जमा होते हैं। वो कहते हैं हुजूर आप 6 दिन से जंगल नहीं आए, हम आपके दीदार को तरस गए इसलिए हमने ये बकरी पकड़ी थी। उसके बाद जब आप 6 साल के हो गए तो क्या हुआ समाज कीजिएगा। हलीमा ने पिला कर दूध ऊंचा मर्तबा पाया, हुए 6 साल के तो आमना के पास पहुंचाया, जनाबे आमना एक रोज उनको ले गई बाहर, वो पहुंची दूर जब शौहर की तनहा कब्र अनवर पर, जो देखी कब्र शौहर की तो दिल में कुछ ख्याल आए, बहे आंखों से आंसू इस कदर उनको मलाल आए, कहा बेटा तुम्हारे बाप हैं इस कब्र के अंदर, ये सुनकर मुस्तफा की आंख से गिरने लगे गौहर, हुई वापस तो दिल रंजो अलम से आया सकते में, हुई बीमार एकदम गिर पड़ी गश खा के रस्ते में, दबाया ऐसा गम ने आमना फिर घर नहीं पहुंची, जहां शौहर थे उनके वो भी बिल आखिर वहीं पहुंची, अचानक मौत ने माँ की नबी का दिल हिला डाला, फिर उसके बाद दादा ने उन्हें कुछ रोज तक पाला, हुए दादा भी रुखसत इस जहां से हुक्म रब आया, अबू तालिब चचा का सिर्फ बाकी रह गया साया, मुसीबत और गमों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, मगर साबिर रहे वो हौसला अपना नहीं तोड़ा, अभी था सब्र दिल में सब्र का अल्जाम बाकी था, अभी था
अभी मिन जानिबे अल्लाह बहुत इनाम बाकी था, अभी मिन जानिबे अल्लाह बहुत इनाम बाकी था, अभी मिन जानिबे अल्लाह बहुत इनाम बाकी था। अभी था सब्र दिल में सब्र का अंजाम बाकी था, अभी मिन जानिबे अल्लाह बहुत इनाम बाकी था, लेकिन न वो हम उम्र बच्चों में कभी भी खेला करते थे, अलहदा बैठ कर तन्हाई में कुछ सोचा करते थे, सदाकत के अलम बरदार थे सच बोला करते थे, गुले रहमत बरसते थे जुबां जब खोला करते थे, हुई जब उम्र ग्यारह की तो बाहर आते जाते थे, तिजारत में चचा का हाथ वो अक्सर बटाते थे, गए एक बार मुल्के शाम की जानिब तिजारत को, तो एक राहिब ने देखा आपकी पाकीज़ा आदत को, बहुत इज्जत की उसने फिर अबू तालिब से ये पूछा, जो था इंजील में तहरीर उसने राज ये खोला, कहा इस लड़के को हर दम हिफाजत में रखा कीजिए, नबी हो सकता है इस राज को दिल में छुपा लीजिए, चचा के जेर साया जब कदम रखा जवानी में, हुई तासीर पैदा कास उनकी खुश बयानी में, मोहब्बत सबको थी दिल से सभी कुर्बान जाते थे, के मक्के वाले सादिक और अमीन अपना बताते थे, तिजारत में बहुत शोरत थी एक बीवी खदीजा की, वो एक खातून दौलतमंद थी पाकीज़ा आदत थी, खुलूस अखलाक का शोहरा था और ईमानदारी का, वो बेवा हो चुकी थी तो दफा थी हुस्न में यकता, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। जब हुजूर की शोहरत दूर दूर हो गई, मक्के की एक खातून जो दो बार बेवा हो चुकी थी जिनका नाम खदीजा ताहिरा है, उनके दिल में हुजूर की थोड़ी मोहब्बत पैदा होती है और क्या होता है समाप्त कीजिए। खदीजा ने नबी पाक से की अर्ज खिदमत में, के शिरकत आप कर लीजिए मेरे कारे तिजारत में, मोहम्मद मुस्तफा ने बात ये मंजूर फरमाई,
गुलामे मैं सरा को लेके बसरा को हुए राही। मुनाफा खूब ज्यादा लेके वापस आप घर आए। बताए मैं सरा ने आके घर औसाफ जो पाए कि मैंने मुस्तफा का आंख से साया नहीं देखा। वो जलती धूप में चलते तो बादल साया करता था। गए सूखे शजर के नीचे तो सर सब्ज वो देखा। तने अत हर कुदरती तौर पर हर दम महकता था। कभी आंखों में उनकी नींद का गलबा नहीं पाया। न बैठी तन पे मक्खी हर घड़ी चेहरा दमकता था। खदीजा ने गुलाम अपना इसी मकसद से भेजा था। लगेगा आपकी कुछ खूबियों का हमको अंदाजा। खदीजा ने ये सोचा काश उनका साथ हो जाए। मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ हो जाए। सुनी और आंख से देखी जो उनकी खूबियां आला। मोहब्बत ने मोहम्मद की उन्हें बेचैन कर डाला। खदीजा ने इरादा कर लिया फिर अक्द करने का। पयाम अपना खदीजा ने अबू तालिब को भिजवाया। खदीजा का मुकद्दर फजल रब से औज पर आया। अबू तालिब ने पूछा अक्द को मंजूर फरमाया। खुदा ने आरजू अपने करम से पूरी फरमा दी। खुदा ने आरजू अपने करम से पूरी फरमा दी। खुदा ने आरजू अपने करम से पूरी फरमा दी। खुदा ने आरजू अपने करम से पूरी फरमा दी। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। रसूल अल्लाह दिन भर के लिए घर से निकल जाते। खुदा की याद में रहते थे घर में शाम को आते। नजर आती कभी एक रोशनी रूपोश हो जाती। पहाड़ों पर वो दिलकश रोशनी अक्सर नजर आती। अचानक बर्क सी कुछ दूर पर मालूम होती थी। मोहम्मद मुस्तफा को वो भली मालूम होती थी। अजब हालत थी उठते बैठते इल्हाम आते थे। फरिश्ते गायबाना रोज सुबह शाम आते थे। पहाड़ों पर थी गारे हिरा कुछ दूर मक्के से। भयानक थी जगह वो उस तरफ इंसान जाते थे। परिंदा तक कभी उस सिमत को उड़कर ना जाता था। कलेजा था ये किसका पास से उसके गुजर पाता। जगह सुनसान थी ऐसी के डर मालूम होता था। नजारा उसका है बदनाक था औसान खोता था। मगर सरकार अक्सर रात को उसमें ठहर जाते।
वहीं उस गार के अंदर खुदा को याद फरमाते। अचानक एक दिन उनको अजब सूरत नजर आई कि इससे पहले ऐसी शक्ल हजरत ने न देखी थी। फरिश्ता था वो, ऐसा देखकर दिल उनका घबराया। वो रफ्ता रफ्ता बढ़ के मुस्तफा के पास तक आया। खुदा की सिमत से जिब्रील एक फरमान लाए थे, खुदा की सिमत से जिब्रील एक फरमान लाए थे, खुदा की सिमत से जिब्रील एक फरमान लाए थे, खुदा की सिमत से जिब्रील एक फरमान लाए थे। नबूवत की उन्हें पहली वही देने वो आए थे, नबूवत की उन्हें पहली वही देने वो आए थे, नबूवत की उन्हें पहली वही देने वो आए थे। बैठे हुए थे, अचानक एक सूरत नजर आई, इससे पहले आपने वो सूरत नहीं देखी थी। वो कौन था? वो अल्लाह का एक मखसूस फरिश्ता हजरत जिब्रील थे, जो अल्लाह ताला की जानिब से आप पर पहली वही लेकर आए थे। आप हमारे आका से क्या फरमाते हैं जिब्रील अमीन, समाप्त कीजिएगा। कहा जिब्रील ने इकरा बहुक्मे किबरिया पढ़िए, मोहम्मद ने कहा उम्मी है हम कुछ पढ़ नहीं सकते। कहा जिब्रील ने कुछ तो पढ़ो, मुंह तो जरा खोलो। नबी ने ये कहा अनपढ़ है हम कैसे पढ़ें बोलो। उन्हें जिब्रील ने सीने लगा कर जोर से भींचा। खुदा ने मुस्तफा को इल्म तब दारैन का बख्शा। पढ़ी फिर आपने इकरा की आयत सुरखुरू होकर, इबादत सीख ली जिब्रील से फिर बावजू होकर। हुए जिब्रील गायब एकदम सरकार घबराए। बुखार आया तो फौरन कांपते घर को चले आए। कहा बीवी खदीदा से मुझे कंबल उड़ा दीजिए। उड़ाया बीवी ने कंबल, कहा क्या बात है कहिए। सुनाया माजरा सब आपने जो कुछ भी देखा था। खदीजा ने तसल्ली दी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गरीबों बेकसों का गमजदों का साथ देते हो, ज़ईफों दर्दमंदों को मदद दिन रात देते हो। तुम्हारी नेकियों को रब ताला खो नहीं सकता। यकीन जानो मेरे शौहर तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा, खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा, खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा, खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा, मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा, मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा।
भतीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा, मुझे लगता है अब शौहर मेरा नबी होगा। लेकिन किसी तस्दीक से करना था बस पुख्ता यकीन उनको, इसी से वरका बिन नौफिल के घर वो ले गई उनको। थे उस दम वरका बिन नौफिल किताबिन जील के आलिम, इसी बाइस था इकबाल उनका मक्का शहर में कायम। खदीजा ने सुनाया उनको जाकर माजरा सारा, खदीजा से कहा मिन जानिबे रब है ये नजारा, तेरे ऊपर यकीनन मेहरबान अब रब आली है, तेरा शौहर नबी है तू बड़ी तकदीर वाली है। कहा फिर मुस्तफा से पालिया दर्जा नबुवत का, तुम्हारे पास जो आया खुदा का वो फरिश्ता था, वही लाता रहा है सारे नबियों पर वो पहले भी, तुम्हारे पास भी आता रहेगा उम्र भर यूं ही। रहे ऐ काश कायम उस घड़ी तक जिंदगी मेरी, तुम्हारी कौम जब मक्के से तुमको भी निकालेगी। कहा सरकार ने क्या एक दिन ऐसा भी आएगा, मेरा प्यारा वतन मक्का भी मुझसे छूट जाएगा। कहा वरका ने सब नबियों पे ऐसा वक्त आया है, वतन से निकले हैं जब कौम ने उनको सताया है। सुनो ये बात बेहतर है अभी खामोश ही रहना, ना हो हुक्मे खुदा जब तक किसी से राज मत कहना। खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए, खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए, खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए, खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए। तसल्ली हो गई शुक्रे खुदा दोनों बजा लाए, तसल्ली हो गई शुक्रे खुदा दोनों बजा लाए, तसल्ली हो गई शुक्रे खुदा दोनों बजा लाए। और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए, तसल्ली हो गई शुक्रे खुदा दोनों बजा लाए। एक रोज जिब्रील अमीन फिर वही लाते हैं और उस वही में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब अब आप अपनी नबुवत का ऐलान कर दीजिए। आप उस वही को सुनते ही अपनी नबुवत का ऐलान करते हैं। सामईन ये वाकया जो इस कैसेट में पूरा नहीं हो सकता है, इंशाअल्लाह ताला हम इसके आगे एक कैसेट और सीरत रसूल के नाम से आपको सुनाएंगे। उसमें फिर रसूल पाक ने अपने कबीले वालों की सबकी दावत की थी और उनके सामने ये बात रखी थी कि अगर मैं कहूँ कि उस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है और वो हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात ये सच मानोगे, तो आपकी इस बात पर कौन कौन सद्दकता या रसूल अल्लाह कहता है। फिर किस तरह हज़रत उमर ईमान लाते हैं, आगे के तमाम ही वाक़यात आप सीरत रसूल में सुनने जा रहे हैं। लीजिए इस हुजूर के बचपन कैसेट का आखिरी बंद मुलाहिज़ा कीजिएगा।
वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे इज्जत का। करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबुवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत और की बिल्कुल हिमाकत है। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर जैद बिन हारिस को भी ईमान के साए, चढ़े कोहे सफा पर मुस्तफा फिर सबको बुलवाया, जो आए अहले मक्का तो मुखातिब सबको फरमाया, कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर, बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको, कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान सच्चे हो, कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने ये बात तुम मानो, इबादत बस करो अल्लाह की मुझको नबी जानो। ये सुनकर अहले मक्का फिर निहायत तैश में आए, कहा ये बात हरगिज हम गवारा कर नहीं सकते, उन्हें कड़वी लगी ये बात वो ईमान नहीं लाए, गए सब अपने अपने घर मोहम्मद भी चले आए। वही नाजिल हुई महबूब मेरे तुम न घबराओ, वही नाजिल हुई महबूब मेरे तुम न घबराओ, वही नाजिल हुई महबूब मेरे तुम न घबराओ। मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ, 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 मिलेगी कामयाबी।